टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस महलवार। जैसे आप देख रहे हो, यस मैं नोएडा आ चुकी हूँ। तो गाइज चलो आज मैं बताती हूँ अभी मैं कहाँ जा रही हूँ। देखिए मैंने बैग भी लिया हुआ है। तो जा रहे हैं डीमार्ट अपना घर का कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट सामान लेने के लिए, घर की बहुत सारी ग्रोसरी जो आनी है। और अभी मैं ही घर पे हूँ, नीचे सूर्यांश से उसके पापा नीचे चले गए मेरी वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, आके मिलती हूँ उससे। बाय बाय। मैं आ गई हूँ लिफ्ट में और बस मैं पहुँचने वाली हूँ। सूर्यांश और उसके पापा देखिए वहाँ ये खड़े हैं। सूर्यांश कहाँ है अभी आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये छोटा बच्चा क्या कर रहे हो? गाड़ी चला के ले जाओगे आज? हाँ हमें ले जाओगे आज आप मार्केट में? ये तुम पानी की बोतल आ गई आपसे गाड़ी चला नहीं? चलो लेट हो रहा हूँ। तो अब हम भी जाते हैं, बैठ जाती हूँ मैं भी गाड़ी में क्योंकि लेट हो रहा है। हस्बैंड को भी सामान भी लाना है। चलो बेटा चलो चलो, सामान ले लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। बहुत सारा सामान है, मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको क्या क्या सामान है। तो ये डीमार्ट था जहाँ से हम लोगों ने सामान लिया है। तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई हूँ बिकॉज इतना सारा रश होता है ना। तो फिर मुझे सामान भी लेना था क्योंकि बेबी साथ में छोटा, तो बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए मैं नहीं व्लॉग शूट कर पाई। बट घर पर दिखाऊंगी आपको कि आज मैं कितना सारा ग्रोसरी का सामान लेकर आई हूँ। 3 बैग हैं और बहुत सारा सामान है। तो मुझे वो भी बहुत सामान को सेटल करना पड़ेगा, घर जाके कहाँ कहाँ रखना है, तो वो मैं सब आपको घर जाके दिखाऊंगी। और बाहर दिखा देती हूँ आपको आज की सुबह। हाँ देखो देखो देखो, देखिए ये सारा सामान ग्रोसरी का मैं अभी लेकर आई हूँ। 3 बैग हैं, तीनों बैग फुल हो रखे हैं। और ये छोटू साहब तो अभी से निकालना स्टार्ट कर दिए। देखिए थक गई मैं अभी। मुझे ना सारा सामान ना सेट भी करना है, दालें सारे डब्बों में भरनी है और जो सामान घर का है वो सब सेट करके रखना है। तो मेरे पास आज बहुत सारा काम है। और आप देख रहे हो पीछे बेड के ऊपर सारे सूर्यांश के कपड़े रखे हैं, वो भी मुझे फोल्ड करने हैं। एंड आज पूरा दिन मेरा बिजी जाने वाला है। और मैं वैसे तो मैं सुबह उठ के नहा ली थी, फ्रेश हो गई थी और खाना वाना सब मैं बना के गई थी। तो बस अब मुझे ये सारा सामान उठा के सारा अच्छे से लगाना है। तो बहुत काम है गाइस आज मेरे पास। कि यहाँ अभी जस्ट मैंने भी बैग में से सारा सामान निकाला है। कितना सारा सामान है ये देखिए। अभी मुझे सारा सामान कबर्ड में अच्छे से सेट करना है। और अभी एक बैग तो मैंने भी ऐसे रखा है जो इसमें दालें वगैरह है। और यहाँ तो मुझे देख देख कर इतना डर लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा मुझे ये सब चीज़ें सेट करने में। आप देखिए वहाँ से तो मॉल से तो मैं ये सारा सामान आधे घंटे के अंदर ले लेती हूँ, लेकिन घर आने के बाद मुझे सब कुछ इतना टाइम लगता है ना सेट करने में, क्योंकि मुझे ऐसे सेट करना होता है कि जैसे कुछ सामान ख़त्म हो तो ईज़िली मुझे वो सामान मिल जाए। तो आप देखिए गाइस। और मैं अपने लिए लाई हूँ ये वाली नीवा की सॉफ्ट क्रीम, ये बहुत अच्छी है ये। और ये देखिए गाइस ये क्या कर रहा है, इसको ना सर्व खाना है। ये क्या कर रहे हो आप सूर्यांश, क्या कर रहे हो आप? हाँ क्या कर रहे हो बेटा आप? ये नहीं लेते, नो, गंदी चीज है, नो। तो गाइस अभी मैंने सारा सामान लगा दिया है कबर्ड में और बस दाल रह गई है जो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ, मुझे भी डिनर भी बनाना है। तो आप देख सकते हो ये टाइम हो गया मुझे सारा सामान सेट करने में। और जस्ट अभी सूर्यांश को भी मैंने उसका डिनर करवा दिया है। और ये शैतान देखिए मेरे साथ में कैसे खेल रहा है। शैतान आप ना शैतान हो गए हो बहुत ज़्यादा, है ना, शैतानी करने लगे हो। हाँ क्योंकि अब आप बड़े हो गए ना, अब आप 1 ईयर के हो गए हो। तो गाइज हाँ मैं आपको बोल रही हूँ आप 1 ईयर के हो गए हो ना? हाँ यस आप 1 ईयर के हो गए हो, अब बड़े हो गए हो। हाँ तो आप भी ना मम्मा की हेल्प आपको भी करानी चाहिए ना। ये हेल्प तो नहीं करवा, ये मेरे लिए ना मेरा काम बढ़ा देता है, क्योंकि जैसे मैं आज कबर्ड में सारा सामान लगा रही थी ना, तो ये सारा सामान उल्टा निकाल निकाल के बाहर रख रहा था। तो इसके साथ में ना मुझे पूरा दिन ऐसे लग जाता है ना, जो काम मैं आधे घंटे में कर लेती थी वो काम अब मुझे 1 घंटे में करना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम बढ़ाता रहता है। कोई नहीं बेबी है तो ये तो खेलेगा, ऐसे काम करेगा ही, है ना। तो चलो मैं ना अभी आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलो मैं अब आपको कुछ दिखाती हूँ। इस देखिए यहाँ पर मैंने ना मक्खन बनाया है, ये देखिए
मैंने ये कल और परसों की ना मलाई को जोड़ के और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से दही में जमा दिया था और देखिए मैंने मक्खन बनाया है। और कल हम खाएंगे मक्खन की रोटी जो हम गांव में खा के आए थे ना, वहाँ पे खा के आए थे गांव में, तो तब से मेरा इतना मन था ना ये मक्खन वाली रोटी खाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैंने मक्खन बना लिया और मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में कितना सारा मक्खन बनाया मैंने, है ना। गाइस देखिए मैंने इतना सारा मक्खन बना लिया है, देखिए ये मेरा मक्खन 1 वीक के इतना बड़ा कटोरा है ये, और ये पूरा भर गया है और ये मेरा पूरा 1 हफ्ता चलेगा, तो उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी। तो मैं ये 2 दिन की मलाई इकट्ठा करके तब ये मक्खन बना लेती हूँ। गाइस देखिए कितना देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, एकदम फ्रेश मक्खन है। तो गाइस देखिए मैं मक्खन भी बना लेती हूँ, तो जो जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उतना काम कर लेती हूँ। तो मक्खन भी बना लिया है, वैसे तो मैं घी भी बनाती हूँ घर का ही, तो भी थोड़ा दूध कम था तो मैंने इसलिए 2 दिन की दूध की मलाई को जोड़ के उसके बाद मैंने ये मक्खन बनाया है। और गाइस आज के ये व्लॉग में यही फिनिश करती हूँ, फिर कल मिलूँगी आपसे। बाय, गुड नाइट।